हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वो वीडियो क्या है वो मैं आगे तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इतनी आसान सी बताने वाली हूँ रेमडी की, जिसको करके आप बिल्कुल स्किन आपकी ग्लो करेगी और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल घर में ही मौजूद है वो सब, जिससे आप अपनी स्किन ग्लो कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने आज की रेमडी को फॉलो कर लिया तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग होने वाली है, बहुत ही चमकदार होने वाली है। और लोग आपसे पूछेंगे कि ओह माय गॉड, आपने किया क्या है आखिर ऐसा जो इतनी ग्लो कर रही है स्किन आपकी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए क्या करना है कि आपको हमेशा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ये जो आप उदासी अपने चेहरे पर लिए रहते हैं, इसका मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हैं। और स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपकी स्किन पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी स्किन धीरे धीरे डल होने लगती है। जैसे सब लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वो लोग फेशियल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, चेहरे पर इतना रब करते हैं कि हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, इससे चेहरे पर ग्लो आता है। तो ऐसे ही हंसने की भी एक प्रोसेस है। अगर आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं तो आपके चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्किन का, वो फास्ट होता है और इससे आपकी चेहरी आपका चेहरा खिला खिला लगता है और आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। तो आप हमेशा स्माइल करते रहिए। और ये जो आप केमिकल यूज़ करते हैं अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, तो वो स्किन उससे अच्छी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में जाके वो स्किन आपकी ख़राब होने लगती है, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और ये कैंसर का भी कारण बनता है। स्किन का कैंसर भी जो होता है वो इन्हीं आर्टिफिशियल और केमिकल को यूज़ करने के कारण ही होने लगता है। और आप ये ब्यूटी पार्लर में पैसे खर्च करके स्किन को सिर्फ बीमारी देते हैं, उसे स्किन अच्छी नहीं होती है। वो सब कभी कभी के लिए रखना चाहिए। ऑलवेज़ अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस। और एक स्किन को अच्छा रखने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा योगा बता रही हूँ, वो योगा है प्राणायाम और कपालभाति। अगर आप ये करते हैं तो आप 70 तरह के रोग ख़त्म कर सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में ही इसका असर दिखने लगता है। जो लोग भी कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं उनकी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है, लिवर डिटॉक्स होता है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड में ऑक्सीजन जाती है। इसे अपनी दिनचर्या बनाइए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए कपालभाति को। और आपकी जो सलाइवा होती है, सुबह की जो लार होती है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वही लार खाने में जाके मिलती है तो हम लोगों का जो खाना रहता है वो बहुत अच्छे से पच जाता है, जिससे हमारी झाइयाँ नहीं होती हैं स्किन पर। और आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना हर घाव उसी सलाइवा से ठीक कर लेते हैं। और वो सलाइवा अगर आप अपने किसी झाइयों पर लगा दें तो शायद वो भी ठीक होने लगती है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है वो सलाइवा भी, इसीलिए बोला जाता है कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। और जो भी स्क्रब आप बाजार वाले यूज़ करते हैं, मार्केट वाले यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ ना करके आप उस स्क्रब को अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए, बेसन और हल्दी ले सकते हैं, इस तरह के स्क्रब आप लेके आप अपने स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और गाइस, आप एलोवेरा का एक पेड़ ज़रूर लगा लीजिए। एलोवेरा का जो जेल है वो आप अपने फेस पर लगाइए, और वो इससे अच्छा फेशियल तो कोई हो ही नहीं सकता। एलोवेरा के जेल, उसके बीच में जो जेल निकलता है उसे अपने फेस पर पूरी तरह लगाइए। और कपड़े में एक बर्फ़ का टुकड़ा बंद कर लीजिए और 5 मिनट एलोवेरा जेल लगाने के बाद उस बर्फ़ के टुकड़े को भी अपने चेहरे पर लगाइए। धीरे धीरे स्क्रब करिए, देखिए आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। इसे कम से कम हफ्ते में आप 2 बार कर सकते हैं, चेंज आप खुद देखने को मिलेगा आपको गाइस। और मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और वो बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही काम की है। साबुन के बजाय अगर आप मुल्तानी मिट्टी से अपना फेस धोते हैं तो आप अंतर खुद देख सकते हैं कि कितना ग्लो आता है आपके चेहरे पर, आपका चेहरा बिल्कुल चमकदार हो जाता है। और किसी बाहरी प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग अपनी स्किन पर करेंगे उतनी ही आपकी स्किन बहुत चमकेगी। और ये दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके अलावा शहद, इसमें एक रेमडी होती है, शहद भी लगा सकते हैं आप अपने चेहरे पर, इससे भी बहुत ग्लो होता है, फेस बहुत ग्लो करता है, स्किन बहुत अच्छी रहती है उससे। और बेसन में आप, बेसन का प्रयोग जो करते हैं उसमें आप हल्दी मिला सकते हैं, गुलाब जल मिला सकते हैं, उसको स्क्रब की तरह आप यूज़ करिए, देखिए इसके बहुत फ़ायदे होंगे। और जिनकी स्किन ड्राई है तो वो उसमें मिल्क और मलाई मिला सकते हैं। और कितना आसान ये तरीका है, जिससे आप घर में ही रह के बिना पैसे खर्च करके आप कितनी अच्छी स्किन अपनी कर सकते हैं। तो और जिनकी, एक बात बताना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्किन ड्राई है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ये मतलब कोई भी फेशियल करने के बाद वो उनको ड्राइनेस फील होती है,
तो उसके लिए बादाम रोगन आता है, उसकी आप 4-5 बूंदे अपने फेस पे रात में सोते टाइम उसके मसाज कर लें और सुबह आप देखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लो करेगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नीम की पत्ती। अगर आप नीम की पत्ती 4-5 पत्ती अगर आप चबाते हैं तो वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, इतना प्योरीफाई करती है कि वो फिर और उसमें जो बैड सब्सटेंस होते हैं वो आपकी बॉडी से निकलते हैं और ब्लड आपका बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा हफ्ते में आप 2 बार करिए, 4-5 नीम की पत्ती चबाइए तो ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जो रैशेस की प्रॉब्लम होती है ये भी हट जाएगी और इन सब उपायों को अपनाने से आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करेगी। तो गाइस एक बार आप उसको ज़रूर अपनाइएगा और बिल्कुल आपकी स्किन ग्लो करेगी। और कपालभाति और अनुलोम विलोम को बिल्कुल मत भूलिएगा, इसका इफेक्ट आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। तो ओके बाय बाय गाइस, जो भी मैंने ये रेमेडी बताई है तो प्लीज़ उसका उसमें से एक भी रेमेडी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करने वाली है। ओके थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।